माँ बाप कितने लाड़ो प्यार से बच्चों को पालते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। यमुनानगर के टिब्बी अराइया के रहने वाले जी राम ने भी यही किया। 5 दिन पहले ही उसने अपनी 3 साल की मासूम मिष्टी को प्रताप नगर स्थित शिवालिक हाई स्कूल में भर्ती करवाया। हर रोज की तरह बस ही मासूम को लेने आती और बस ही मासूम को छोड़ने जाती, लेकिन जो लापरवाही स्कूल प्रशासन से छोड़ने के समय हुई वो शायद मिष्टी के माता पिता कभी नहीं भूलने वाले। दरअसल बस ड्राइवर ने छोटे बच्चों को नीचे उतार कर बैग गियर लगा दिया, जिससे 3 बच्ची बस के नीचे आ गई। समझदारी दिखाते हुए 2 बच्चों को एक महिला ने खींच लिया, लेकिन एक छोटी बच्ची टायर के नीचे आ गई और पेट पर टायर चढ़ने की वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर ने तारी वो ठीक है, तो मैं कह रहे भी बच्चे ने किसी ने अगर बैग पह दिया उसमें, तो पीछे बैग हो वो उसके अपने टायर गिर गया। तो अभी कंडीशन कैसी है? अभी तो जी वो डेथ हो चुकी है उसकी। कौन से स्कूल में पढ़ रही थी आपकी गुड़िया? शिवालिक। कहाँ पे आई है स्कूल? ये हैदराबाद जी। तो उसमें क्या कई स्कूल प्रशासन की कोई गलती है, जैसे बस छोड़ने आती थी भी उन्होंने उतारा नहीं? जो कंडक्टर प्रशासन की गलती है जी, स्कूल प्रशासन की। हाँ जी, जब भी बस में एक ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, एक अटेंडेंट होता है। हाँ जी, कोई भी नहीं था बस में? कोई नहीं था जी, एक मैडम थी जी, ड्राइवर था बस। अच्छा, तो बच्चे को उतार के पहुंचाया भी नहीं? हाँ जी, अपने वो छोड़ के चले गए, ऐसे ही छोड़ के चले गए बस के नीचे आने के बाद। छोड़ के ही चले गए? छोड़ के चले गए, अपने आप उठा कर चले गए। जी राम के 2 बच्चे हैं, जिनमें से 5 वर्षीय बेटा लवेश और 3 साल की बेटी मिष्टी। मिष्टी की मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिष्टी की मां ने सीधा आरोप स्कूल प्रशासन पर लगाया है। सोनिया का कहना है कि बस में ना तो कोई परिचालक था और ना ही अटेंडेंट, जो बच्चों को उनके परिजनों के आने तक रोक के रखे और सुरक्षित उनके माता पिता को हैंड ओवर कर दे। उन्होंने पुलिस में स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के लिए शिकायत दी है। कौन सा स्कूल में पढ़ती थी? शिवालिक स्कूल। शिवालिक स्कूल। कौन सी क्लास में? नर्सरी में। अभी डाला गया था क्या स्कूल? अभी 5 दिन ही हुए थे। तो आपको कैसे पता चला, क्या हादसा हुआ, क्या स्कूल ने बताया आपको? अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी मैं यहीं पे थी। स्कूल में ही? घर पे थी मैं। अच्छा, छोड़ने आई था, बस छोड़ने आई थी क्या? हाँ जी। बस में जाते हैं बच्चे? हाँ जी। तो हुआ क्या बच्चे के साथ, क्या हुआ, चोट लगी, क्या लगा? वही इस बारे में जांच अधिकारी ओम प्रकाश का कहना है कि अभी उनके पास शिकायत आई है, इस मामले में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी अभी यहां ट्रामा सेंटर में सूचना मिली है, मिष्टी पुत्री जीराम आयु करीब 3 साल, ये शिवालिक स्कूल में अभी एडमिशन हुआ था। आज स्कूल की बस छोड़ने के लिए गाँव में गई थी, वहाँ स्कूल की बस के नीचे टायर के नीचे आ गई है, जिसको यहाँ लेके आए हैं और जिससे उसकी मौत हो गई है। अभी पेरेंट्स मिलेंगे, जैसे भी उनके बयान होंगे नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ताजुब की बात ये है कि बच्ची की मौत हो गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी ने परिवार का हालचाल नहीं जाना। परिजनों ने बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है, ताकि स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर अंकुश लग सके। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।